देश को बर्बाद करने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो है गोदी मीडिया का, जो सरकार की नाकामियों को लगातार छुपाते आई है और सरकार की नाकामियों पर सवाल करने के बजाय सरकार के गुणगान गा रही है। उसके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है अंधभक्तों का। जो 6 साल से हो रहे देश के विनाश को भी मोदी जी का विकास समझ के मोदी जी के गुणगान गा रहे हैं। देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया जब सरकार की गोद में जाकर बैठ जाए तो उस देश का बंटादार होना बिल्कुल तय है। उस देश को बर्बाद होने से तब कोई नहीं बचा सकता जब मीडिया के लोग सरकार की गोदी में जाकर बैठ जाए और सरकार ही के नाकामियों को छुपाने लगे। सरकार की गोद में बैठी गोदी मीडिया और अंधभक्तों का मानना ये है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा विश्व गुरु देश जहां पर मरीजों को अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। एक ऐसा विश्व गुरु देश जहां पर लोगों को मरीजों को अस्पताल में बेड तक उपलब्ध नहीं कराए जा सक रहे हैं। एक ऐसा विश्वगुरु देश जहां पर लाशों को भी शमशान घाट के बाहर घंटों घंटों भर इंतजार कर रहा है अपनी बारी आने की, कि कब उनकी बारी आए और उन लाशों का अंतिम संस्कार हो सके। जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाली मीडिया सरकार की गोद में जाकर बैठ जाए तो सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कौन दिलाएगा। 2020 में आई कोरोना महामारी को लेकर अगर इस दलाल मीडिया ने सरकार से सवाल किए होते तो आज इस तरह की नौबत नहीं आती। काश अगर गोदी मीडिया ने सरकार से सवाल किए होते कि 1 साल बाद सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर क्या तैयारियां की, अगर गोदी मीडिया ने सरकार से सवालात किए होते तो आज इस तरह बदतर हालत नहीं हुई होती। तो हमने 2020 की कोरोना महामारी के बाद क्या सीखा, सरकार ने कोरोना महामारी के बाद क्या क्या इंतजाम किए, ये सारे सवाल गोदी मीडिया को पूछने चाहिए थे। लेकिन गोदी मीडिया तो गोद में बैठी हुई है, उसको सरकार के गुणगान ही गाने हैं। एक तरफ जहां पे सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि लोग बाहर न निकले और भीड़ जमा ना करें, वहीं दूसरी ओर चुनाव के लिए बंगाल में नेता लाखों की भीड़ जमा करके रैलियां निकाल रहे हैं, तब किसी को कोरोना का खतरा महसूस नहीं होता क्योंकि चुनाव के वक्त तो कोरोना होता ही नहीं है। कोरोना तो तभी होता है जब आम आदमी सब्जी लेने के लिए बाहर निकले, आम आदमी अपने काम के लिए बाहर निकले, तब उससे कोरोना फैलता है। लेकिन अगर चुनाव में लाखों की भीड़ में लोग जमा है तो उससे कोरोना वायरस नहीं फैलता। विडंबना यह है कि 2020 में तबलीगी जमात को कोरोना फैलाने का जिम्मेदार ठहराते हुए यही गोदी मीडिया ने लगातार 3 महीने तक न्यूज चलाई थी और लगातार कोरोना फैलने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन लाखों की भीड़ जो बंगाल में रैलियों के शक्ल में बाहर निकली हुई है, उसके ऊपर एक भी सवाल नहीं किया जा रहा गोदी मीडिया द्वारा, और ना ही कुंभ के मेले में जो 32 लाख से ज्यादा लोग जमा हुए हैं, ना ही उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। तो ये गोदी मीडिया का कैसा चरित्र है, पूरी तरह से सरकार के द्वारा गोदी मीडिया बिक चुकी है क्योंकि वो सरकार की गोद में जाकर बैठ चुकी है। विडंबना देखिए कि जब 2020 में कोरोना वायरस फैल रहा था और मात्र 100-200 केस थे तो पूरे भारत में मोदी जी द्वारा लॉकडाउन लगा दिया गया था, और आज जबकि 2 लाख से ज्यादा केस रोज नए केस आ रहे हैं तो मोदी जी द्वारा और गृह मंत्री द्वारा बंगाल में चुनाव के दौरान लाखों की भीड़ जुटाई जा रही है और प्रचार किया जा रहा है। इस मीडिया को दलाल मीडिया और अंधभक्तों को अंधभक्त यूं ही नहीं कहा जाता कि जो अंधभक्त और गोदी मीडिया लगातार 2020 में जमाती लोगों के ऊपर निशाना साध रही थी, वो लाखों की रैलियों के ऊपर चुप हैं और वो कुंभ के मेले की जो भीड़ है उसके ऊपर पूरी तरह से खामोश है। इसे ही तो कहते हैं दोगलापन।
जहां ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों के लिए पूरे भारत देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, वहीं पर ये अंधभक्त और गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी हैसियत नहीं है कि मौजूदा सरकार से कुछ सवाल पूछ सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोका जा सकता था, या फिर इसके आने से पहले हम कुछ तैयारियां कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास फुर्सत कहां थी? वो तो बंगाल चुनाव में लाखों की भीड़ जुटाकर रैलियां निकालकर वोटों की मांग कर रहे थे और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को हराने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ जहां पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में ममता दीदी को हराने की कोशिश में लगे। 2020 में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए गोदी मीडिया ने पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को दे दिया और कुछ इस तरह से दिखाया कि 2020 में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सिर्फ मोदी जी ने ही काम किए, और आज जब दूसरी लहर की वजह से चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है, तो गोदी मीडिया की ये हैसियत नहीं कि वो सरकार से सवाल पूछ सके। मोदी जी के लिए 8000 करोड़ का विमान, लेकिन जनता के लिए सिर्फ बेबसी। आज देश के हालात ये हैं कि ऑक्सीजन के लिए लोग दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और लोग तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो इंजेक्शन है, जो दवाइयां हैं, उसकी कालाबाजारी जोर शोर पर चल रही है। और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जब केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की गुहार लगाई, तब पता चलता है कि वो तो बंगाल चुनाव में बिजी हैं। तो क्या मोदी जी को हम लोगों ने, अंधभक्तों ने, क्या इसी दिन के लिए वोट दिया था? पिछले साल 2020 में जब मोदी जी ने पीएम केयर फंड में पैसे डालने के लिए कहा था, तो एक छोटी सी मासूम बच्ची ने अपने गुल्लक में से 5100 रुपए निकाल कर पीएम केयर फंड में दिए थे, और आज उसी बच्ची को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। हमारी तो सरकार से चाह रहे, मोदी जी से चाह रहे, हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपए भी दिए पीएम केयर फंड में, अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, हमारी बेटी ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको पीएम केयर में दिया, हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब। तो क्या इसे ही देश का विकास समझा जाए, जैसे गोदी मीडिया दिखाते आए हैं, या फिर उनके अंधभक्त समझ रहे हैं? 6 साल मौका मिलने के बाद आज स्थिति ऐसी हुई है कि आज जो जरूरी चीजें हैं, ऑक्सीजन जैसी, अस्पताल में बेड नहीं है, मरीज एक ही बेड पर दो दो तीन तीन लोगों को लिटाया गया है, ऑक्सीजन की कमी है, जगह नहीं मिल रही है, तो रोड पे ही ऑक्सीजन दिया जा रहा है। क्या इसी को विकास समझा जाए? आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग क्या मानते हैं, कि क्या यही देश का विकास है? क्या हम लोगों ने मोदी जी को इसीलिए जिताकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया था कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, वहां पर व्यस्त हैं? फैसला आपके हाथ में कि आप किस तरह का विकास चाहते हैं।